छोटा भीम है, ये मेरा भोलू है, ये मेरा भोलू है, छोटा भीम है ये। मैं मुन्नी है, छोटी मुन्नी, छोटी मुन्नी, छोटी मुन्नी है, गुइया है मेरी, छोटी सी गुइया है, गुइया। इसे पाली टोपी लगा ली है। ओ चल, ओ ओ ओ ओ, डैडी को दिखा। ये मेरी छोटी सी भोलू है ये। ये भोलू बेटी है मेरी। मामा देखो तो मेरी ड्राइंग अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही। ये भोलू चाचा बन गया आज। मामा देखो, ओ ओ ओ ओ, मामा देखो। अरे आपकी टोपी किधर आ गई? अरे बापरी, अरे बापली, अली अल्लाह। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हालचाल, क्या बोलती पब्लिक, चुल मचा दे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों सम्मान के साथ आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। आज मेरा सेकंड डे रोज़ा है मुहर्रम का, क्योंकि मैंने 10 तारीख और 11 तारीख का रोज़ा रखा है और 9 का रोज़ा नहीं रख पाया, मैं छूट गया था मेरा, तो मैंने 10 का और 11 का रोज़ा रखा। तो आज 11 तारीख है मुहर्रम की, तो आज मेरा रोज़ा है। तो थोड़ा सा मार्केट जाना है, मार्केट में थोड़ा सा काम है, तो वो काम को निपटा के आते हैं, उसके बाद बढ़िया सी इफ्तार लेंगे और चलते हैं मार्केट का काम करते हैं। Few moments later. तो दोस्तों इफ्तारी का टाइम हो चुका है और बस 5 मिनट बचे हैं। इधर जो है शकर को घोला जा रहा, अर्शद थोड़ी सी हेल्प करा रहे हैं, अल्लाह इन्हें अच्छा रखे। और बीवी फ्राई कर रही हैं, थोड़े से पापड़ और रह गए हैं, तो ये फ्राई के लिए लग रहे हैं। थोड़ा पानी और लेना था इसको। तो दोस्तों होता क्या है कि एफटीआर का जो टाइम होता है वो इतनी जल्दी निकल जाता है, सटासट निकलता है टाइम, और टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है। 7 बजने के बाद तो रोज़ा खोलने का ऐसा टाइम निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता, खासकर एफटीआर में तो पता ही नहीं चलता। आज उसको मारा उसकी मम्मी ने, गाली वगैरह। तो दोस्तों हमारी जो है इफ्तारी लग चुकी है और बस 5 मिनट रह गए हैं, तो ये हमारी इफ्तारी आ चुकी है। रोज़ा खोलेंगे और प्यास का बहुत आलम है, यही प्यास तो हमें बताती है कि करबला में हमारे इमाम के साथ क्या हुआ था। 3 दिन वो प्यासे रहे थे, तो प्यास की जो शिद्दत होती है ना वो पता चलता है। और हमारे अश्मीरा के भाई आ चुके हैं, आज इनकी बहुत ज़्यादा ठोकाई हो गई है, बाकी कोई बात नहीं, बच्चे तो पिटते ही हैं, गलती करेंगे तो पिटेंगे सही। तो ये भी हमारे साथ इफ्तार करेंगे और माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि मासूम बच्चे अगर इफ्तार में बैठते हैं तो अल्लाह ताला उस दस्तरखान से हिसाब नहीं लेता आएगा। तो दोस्तों टाइम बिल्कुल हो चुका है, तो जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने रोज़े को खोलते हैं। कैसा रहा? लाजवाब, माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत अच्छा रोज़ा रखा है और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करा है। अल्लाह से दुआ है कि बस रोज़ा कबूल कर देगा। उज़ैर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मम्मी ने मारा था आज आपको? क्यों मारा, क्यों मारा उज़ैर? अरे बाप रे, गाली बकी थी तो अब मत बकना है ना। चलो खाओ खाओ, जल्दी से खाओ। कैसा चल रहा है? बिल्कुल मज़ेदार। ये नीचे वाले रहे आप तो। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आपके भाई ने रोज़ा खोल लिया है और मगरिब की नमाज होने ही वाली है, तो चलते हैं जल्दी से मस्जिद, वरना नमाज लेट हो जाएगी हमारी, छूट भी सकती है, इसलिए फटाफट भागते हैं नमाज के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा रोज़ा था, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करा, मैं अच्छे से रोज़ा हो चुका है, तो चलो नमाज के लिए चलते हैं।
प्रॉपर बैठते था ना पहले ब्लॉग करने सी फोर कैट सारे सी फोर कैट बनाए जल्दी पकड़ो यहाँ से स्टार्ट कर फास्ट इसको डायपर पहना दो क्योंकि दो तो आप सोएगा नहीं आपके पैरों में द नेक्स्ट मॉर्निंग तो दोस्तों 5:05 हो रहे हैं और फजर की नमाज का टाइम है तो हम चल रहे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने और जल्दी से नमाज़ पढ़ के आते हैं सुन्नत भी पढ़नी है तो चलो चलते हैं नमाज के लिए मौसम की यह हाल है दोस्तों का बड़ा ही चिल्ड और ठंडा मौसम है और बारिश के आते पते नहीं है बाकी मौसम तो ठंडा है बारिश होना चाहिए बारिश हो नहीं रही है सही से खैर चलते हैं नमाज के लिए ये देख हम जैसा आपको ऐसे करो पैर ऊपर करो पैर ऊपर ओके और इसको ऐसे ऐसे पटक के बैठो जरा ये ऐसे ये मेरा बेटा है ये हमजा साहब है ये देखो कैसे लग रहे मेरे बेटे ये मेरे चांद के टुकड़े कैसे लगे ले हो आप है ना भैया है ना भैया है ना भैया हाँ है ना निन्नी आ लिया आपको क्या उती उती कर लिया आपने गिरना नहीं ठीक है बहुत ज़्यादा है तो दोस्तों दानियल के स्कूल की छुट्टी का टाइम हो चुका है और मैं उसे लेने जाऊंगा और आज जुम्मा भी है जुम्मे की नमाज़ पढ़ने भी जाना है एक बच चुकी है तो पहले दानियल को पिकअप कर लेते हैं फिर उसके बाद नमाज़ के लिए चलेंगे तो चलो दानियल को लेके आते हैं स्कूल से अभी आपका भाई नहा धो के फ्री हुआ है और नमाज के लिए ही जाना है दानियल को पिकअप करते हैं फटाफट चलो चले जी चले दानियल चलो आप आगे चलो ए तो दोस्तों हमारी प्यारी बेटी स्कूल से आ चुकी है और कल इन्हें वेजिटेबल और फूड लेके जाना है मेरी जुम्मे की नमाज का टाइम हो चुका है तो चलते हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो दोस्तों आपके भाई की जुम्मे की नमाज़ हो चुकी है अभी हाल जस्ट मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ और बीवी ने बनाई है थोड़ी सी गर्मा गर्म चाय